स्टूडेंट्स, मैं जीत सर। आज मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स को पैसेज बताने वाला हूँ। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में दो पैसेज पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज। एक 12 मार्क का होगा, एक 8 मार्क का, ठीक है? तो चलिए, यहाँ ऊपर मैंने क्वेश्चन का डिटेल लिखा है, उसका जानने का भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट पैसेज पर आते हैं। पैसेज नंबर 1 में है, रीड द, यहाँ पैसेज होना चाहिए था, छूट गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को केयरफुली पढ़िए और जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बाई बींग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड फॉलोइंग रूल्स, रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल एंटरटेनमेंट। अवॉइड एनी थिंग दैट विल वीकन योर स्ट्रेंथ। स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। बी अवेयर ऑफ ड्रिंक, इट इज़ द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशियंसी। अबव ऑल रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज ए प्रीसियस पोजेशन। बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स, कंसिडरेट टू एवरीबडी, फेयर टू योर अपोनेंट्स, काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग, एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर वॉट इज गुड, प्योर एंड नॉबल। अब इस पैसेज के बाद ये देखिए, ए बी सी तीन क्वेश्चन है और डी में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है? इसको आपको तीनों का जवाब देना है और डी में सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बना लिया है। चलिए अब हम लोग सीधा सॉल्यूशन पाते हैं। सॉल्यूशन में भी क्वेश्चंस उसी तरह से लिखा हुआ है। हम लोग क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए पैसेज को अवॉइड करते हुए क्वेश्चंस पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डस सक्सेस डिपेंड ऑन। देखिए, हम पैसेज को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं सुना है। क्यों पढ़ के नहीं सुना है? क्योंकि वहाँ पर आपको हिंदी बताने वाला कोई नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। वो अनसीन पैसेज रहेगा, ऐसा पैसेज रहेगा जो कि आप पहले नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, जनरली ऐसा ही होता है। तो उस परिस्थिति में आपको खुद से उसका जवाब ढूंढना है। तो हम आपको जवाब ढूंढने का तरीका बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन। सक्सेस यानी कि सफलता किस चीज़ पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। हमको अगर क्वेश्चन को पूरा नहीं भी समझेंगे तो बार बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि हमको उसका जो मेन वर्ड है, या मेन वर्ड है सक्सेस और डिपेंड। अब हम लोग पैसेज में से इसको खोजेंगे। तो देखिए, पहला का जवाब हमको पहला लाइन में मिल गया, सक्सेस ये भी मिल गया, इन लाइफ डिपेंड्स डिपेंड वर्ड भी मिल गया। तो सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। लाइफ में, जीवन में अगर हमको सक्सेस पाना है, सफलता पाना है, तो ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस में? लार्जली ऑन गुड हेल्थ, अच्छे हेल्थ पे। इतना आप एक लाइन लिख दीजिएगा तो आपको दो नंबर मिल जाएगा, इसीलिए हम देखिए ए यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आते के आंसर भी हम लिख दिए हैं। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, लाइन नंबर 1, ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, हाउ कैन वी कीप गुड हेल्थ। अब जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको डायरेक्ट मिल जाए, कुछ क्वेश्चन में आपको अपने से सेंटेंस को बनाना पड़ता है। तो हाउ कैन वी कीप गुड हेल्थ, यह हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ कैन वी कीप गुड हेल्थ, इसलिए हम वी कीप गुड हेल्थ को अंडरलाइन किए हैं, क्योंकि आंसर हमको इसी से शुरू करना है कि वी कैन, कैन को हम हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट वी के बाद डाल दिया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया था क्वेश्चन के लिए। तो वी कैन कीप गुड हेल्थ, हम लोग गुड हेल्थ रख सकते हैं, कैसे? बाय कीपिंग, रख कर, किस चीज़ को रख कर? आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में आएंगे, ऊपर पैसेज में आएंगे, सॉरी, तो पैसेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कीप योर बॉडी फिट। तो यहाँ बॉडी से जो है वो हमारा आंसर होगा। बॉडी को अगर फिट एंड स्ट्रांग रखेंगे बाय बीइंग क्लीन, अगर हम साफ सुथरा रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे तो क्या होगा, कोरोना वायरस नहीं होगा। इनहेलिंग फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा लेंगे तो उसमें भी हम हेल्दी रहेंगे। एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, हम लोग का जो हैबिट है, आदतें हैं, वो अच्छा दैनिक आदत होना चाहिए। एंड सुटेबल एंटरटेनमेंट, और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ करेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे ना, हम लोग गुड हेल्थ रख सकेंगे। तो उसी का जवाब है, वी कैन कीप गुड हेल्थ बाय कीपिंग आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बाय बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल एंटरटेनमेंट। हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं लाइन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों मिलके ये बना है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड अवॉइड। क्या क्या चीज़ को हमको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना मतलब दूर रहना चाहिए। या क्वेश्चन क्या है, वी शुड अवॉइड, मेन चीज़ यही है कि क्या क्या चीज़ को हमको अवॉइड करना है। तो आंसर में लिखेंगे वी शुड अवॉइड, हमको अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, पैसेज में ढूंढ लेंगे।
देखिए यहाँ पर सी नंबर हम लिखे हैं, अवॉइड एनीथिंग दैट विल वीकन योर स्ट्रेंथ। हमको कोई भी ऐसा चीज अवॉइड करना है जो हमारे स्ट्रेंथ, जो हमारे ताकत को घटाएगा। यहाँ पर वीकन योर स्ट्रेंथ है, वहाँ पर हम लिखेंगे आवर स्ट्रेंथ। देखिए हमको यहाँ पर टाइप करने में हमसे भी एक गलती हो गया है, यहाँ पर आंसर होगा वी शुड अवॉइड एनीथिंग दैट विल वीकन, यहाँ हम गलती से योर स्ट्रेंथ लिख दिए हैं, आप लोग उसको आवर स्ट्रेंथ कर लीजिएगा कॉपी में। फिर आगे है डी नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें दो सेंटेंस लिया गया, आधा लिखा गया, आधा फिल इन द ब्लैंक्स था। तो स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड, अगर हम पैसेज में खोजेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा क्लाउड्स द ब्रेन। और सेकंड है रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज ए प्रीसियस पोजिशन। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये दोनों को। देखिए हम बना दिए हैं, यहाँ पर डी का वन देखिए है ना, स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड डी वन लिखे, उसके बाद का आंसर होगा क्लाउड्स द ब्रेन। उसी तरह से आगे देखिए, अबव ऑल रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज ए, तो डी टू में क्या लिखे, प्रीसियस पोजिशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना लिए, हम बना लेंगे। और आगे देखिए हम आपको एक और पैसेज दिए, डू इट योरसेल्फ, अपने से करना है, इसको पढ़ना है, रिवर यमुना वाला, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके नीचे क्वेश्चन से आपको जवाब देना है। और फिर नेक्स्ट महुआ वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, इसको पढ़ना है और इसका जवाब देना है। ठीक है, आज का दिन गुरुवार है, आज लॉकडाउन में काठीकुंड में हटिया भी नहीं है। हम इस वीडियो के साथ पीडीएफ भी भेज दे रहे हैं, आप पीडीएफ को देखिए, वीडियो को सुनिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको बनाइए। पैसेज नंबर 2 और पैसेज नंबर 3 जो है आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।